आज बंगाल और असम में जहां दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा था, तो वहीं तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धुआंधार प्रचार किया। पश्चिम बंगाल के जयनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी का फूल पश्चिम बंगाल के लिए एक शूल की तरह है जो असहनीय पीड़ा दे रहा है। पीएम मोदी ने बांग्ला में बोलते हुए कहा कि रक्त का खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही नहीं, उन्होंने रैली में आए लोगों से भी ये नारा लगवाया। दीदी, तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। रोकतेर खेला चलबे ना। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले राउंड की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट और बढ़ गई है। पहले ममता बनर्जी ने भवानीपुर छोड़ दिया और अब नंदीग्राम से चुनाव लड़कर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने पहले राउंड की वोटिंग के बाद देश के अन्य नेताओं को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। यदि उन्होंने 5 साल तक बंगाल के लोगों की सेवा की होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? पीएम मोदी ने कहा कि पूरा बंगाल जानता है कि दीदी को जय श्री राम के नारे और भगवा कपड़ों से भी दिक्कत है। अब तो उनके लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए कहा कि ममता ने स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस की परंपरा को गाली दी है। घुसपैठियों को खुश करने के लिए दीदी बंगाल के लोगों को भूल गई। टीएमसी सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा नुकसान हमारे किसान भाई बहनों ने उठाया है। घुसपैठियों को खुश करने के लिए दीदी बंगाल के लोगों को भूल गई। टीएमसी सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा नुकसान हमारे किसान भाई बहनों ने उठाया है। बंगाल में चुनावी रैली से पहले पीएम मोदी ने आज असम में भी चुनाव प्रचार किया। असम के कोकराझार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य के लोगों को पानी, बिजली, गैस और सड़क जैसी मूलभूत चीजों के लिए तरसा दिया था। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने यहां चाय बागान के कार्यकर्ताओं के अलावा महिलाओं के विकास के लिए भी जम कर काम किया है। उन्होंने कहा कि असम के लोगों को महाझूठों से बचने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसी कोई जनजाति नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम को बम और बंदूक के रास्ते में झोंक दिया था। ऐसी कोई जनजाति नहीं जिससे कांग्रेस ने विश्वासघात नहीं किया। कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया था। एनडीए ने असम को शांति और सम्मान की सौगात दी है। दरअसल असम में बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी है, तो वहीं बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत टीएमसी से सत्ता छीनने में लगा दी। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों में धुआंधार रैलियां कर जनमत को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की। अब देखना होगा कि पीएम मोदी की बातों का जादू जनता पर कितना चल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।